हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सी एस पी पाउटा पे। तो हमने पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा था, और अभी अब जो पढ़ने वाले हैं वो है सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है लेटर्स, और लेट वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जी, सबसे पहले तो लेट थोड़ा सा मतलब अलग होता है, और कई बार क्या होता है कि जैसे ये जो लेट के बजाय लेटर्स आ रहा है, तो लेट अस में आपको थोड़ा सा अलग तरीके से चेंज करना पड़ता है। तो पहले हम पढ़ते हैं लेटस, लेट अस। तो लेटस होता है, इसमें क्या होता है कि जो सेंटेंस है लेट की तुलना में थोड़ा सा अलग होता है, तो रूल्स भी थोड़े से अलग इसके होते हैं। लेट से अलग रूल्स इसमें लगते हैं। तो अब यहां पे मैं बात करूं इसके लिए जो जनरल रूल्स होते हैं, सबसे पहली चीज आप ध्यान देंगे, अगर आपका वाक्य लेट अस से प्रारंभ हो रहा है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, लेट अस की बात कर रहा हूं, लेट अस से प्रारंभ हो रहा है, तो सबसे पहली चीज आपका जो सेड होता है, सेड को आप किसमें चेंज करेंगे, सजेस्टेड में। सजेस्टेड में अगर सेड है तो सजेस्टेड में होगा, और अगर आपका सेड टू है तो ये होगा आपका सजेस्टेड टू या फिर प्रपोज्ड। यहां पे अब ध्यान देने वाली चीज ये रहेगी आपके लिए कि अगर सेड टू है और आप सजेस्टेड यूज कर रहे हैं, तो टू को आपको हटाना नहीं है। हाँ, प्रपोज्ड कर रहे हैं तो इसमें आपको टू रखना नहीं है, यानी सजेस्टेड से हटाना नहीं है और प्रपोज में रखना नहीं है। क्लियर है? इसके बाद में अगली चीज जो कनेक्टिव आपका यूज किया जाता है, कनेक्टिव की मैं बात करूं तो इसमें यूज किया जाता है आपका दैट, लेकिन लेट को हटा दिया जाता है, लेट को हटा दिया जाता है, ये चीज हो गई। जी, इसके बाद में मैं बात करूं तो रिपोर्टेड आपका जो होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है, उसमें वर्ब इसमें हमेशा प्रेजेंट सिंपल होती है, वर्ब इन रिपोर्टेड स्पीच, वर्ब इन रिपोर्टेड स्पीच। तो यहां पे आप देखेंगे ऑलवेज प्रेजेंट टेंस, ऑलवेज प्रेजेंट टेंस, यानी कि आपकी जो ये वर्ब होगी हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही होगी, इसलिए आपको क्या करना है, वर्ब में चेंज ना करके वर्ब से पहले क्या लगाना है, शुड का यूज करना है। वर्ब से पहले शुड का यूज किया जाना है। अब यहां पे और जो अस होता है, चौथी चीज अस की बात करूं मैं, तो अस में क्या रूल आपका लगता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब, कौन सी बोल रहा हूं मैं, रिपोर्टिंग वर्ब यदि रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग क्लॉज में आई या मी हो तो, आई या मी हो तो अस को किसमें चेंज करेंगे, हम वी में चेंज करेंगे, वी में चेंज करते हैं। कब करते हैं, जब आपके रिपोर्टिंग स्पीच में आई या मी हो, आई या मी ना हो उसके अलावा अगर कुछ हो तो आप उसे दे में चेंज करते हैं। इसी से इसी का है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में आई या मी नहीं हो तो अस को दे में
करते हैं। सिंपल सी चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई कि अगर आई मी हो तो आप अस को वी में चेंज कर दीजिए, आई या मी नहीं हो तो आप उसे दे में चेंज कर दीजिए। दीज आर द सिंपल रूल्स, ये इसके रूल्स हो गए। अब रूल्स के अकॉर्डिंग हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स की बात करूं सबसे पहले मैं, एग्जाम्पल पे आइए। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी लेट अस गो टू सम होली प्लेस। सर यहां पे सेंटेंस में आप देख रहे हैं लेट अस गो टू सम होली प्लेस, हमें किसी पवित्र जगह पे जाना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे मी आ रहा है, तो मी से एक चीज तो क्लियर हो गई कि आपका अस किस में चेंज होना है, वी में चेंज होना है। स्टार्ट करते हैं इसको, चेंज करते हैं सबसे पहले ही। अब यहाँ पे आप सजेस्टेड कीजिए, ही सजेस्टेड टू मी, जैसा कि मैंने रूल्स में आपको लिखाया है कि रिपोर्टिंग स्पीच जो है प्रेजेंट टेंस में रहता है, ठीक है। और बताया था मैंने कि सैड के लिए अगर सिंपली सैड ही है उसके बाद टू नहीं है तो आप सजेस्टेड कीजिए, और अगर सैड के बाद टू है तो सजेस्टेड टू कीजिए। टू को हटाना नहीं है, मैंने वही किया, टू को हटाया नहीं है मी। अब क्या करना है, ये लेट हटा दिया हमने, यहाँ पे दैट लगा दिया, कनेक्टिव हो गया। अस किसमें चेंज हो रहा है, यहाँ पे वी में चेंज होना है। क्यों होना है, क्योंकि यहाँ पे मी आ रहा है, मैंने यहाँ पे लिखा है आई या मी, आई या मी हो तो अस को वी में चेंज अपन ने कर दिया। अब वर्ब से पहले क्या लगाना है, शुड, वी शुड गो टू सम होली प्लेस। ये लीजिए आपका सेंटेंस। इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि ये जो मैंने रूल्स लिखा है इसके अनुसार आप करें तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस मैं आपके लिए लेता हूं। अब यहां पे तो क्या हुआ है, मी आ गया, यानी आई या मी में से एक आ गया। अब नहीं आता है तो क्या करें, दे सेड टू him let us enjoy the party, let us enjoy the party। सर यहां पे आप सेट को प्रपोज्ड में चेंज कर सकते हैं, तो चेंज करते हैं they proposed him that, यहां तक क्लियर, लेट व्हाट आया दैट आ गया। अब ये अस आप कहेंगे सर वी में चेंज, जी नहीं वी में चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहां आप रिपोर्टिंग में देख रहे हैं ना तो आई है ना मी है, दोनों में से कोई सा भी नहीं है। और जब दोनों में से कोई सा भी नहीं है तो आप वी को किस में चेंज करते हैं, दे में चेंज करते हैं, सॉरी अस को किस में चेंज करते हैं, अस को दे में चेंज करते हैं। तो हम यहां पे क्या करेंगे, दे आपकी वर्ब है एंजॉय, सो वी विल राइट हियर शुड एंजॉय द पार्टी। ये लीजिए आपका क्लियर। तो मैं आशा करता हूं कि आपको लेटर्स का तो एग्जांपल्स समझ में आ गए होंगे। इसके बाद में ये लेटर्स का हो गया, एक और लिख लेते हैं लेटर्स का एग्जांपल, जिससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, आई said to my brother, let us play chess, let us play chess। अब यहां पर क्या है, मैं कह रहा हूं अपने भाई से कि हम क्या करते हैं, चेस खेलते। मीन्स मैं उसको क्या कर रहा हूं,
सजेस्ट कर रहा हूँ या मैं प्रपोज भी कर सकता हूँ, यहाँ पे बेटर होगा, मैं प्रपोज भी दे सकता हूँ, मैं उसके सामने प्रस्ताव रख रहा हूँ। तो आई प्रपोज्ड माय ब्रदर, आई प्रपोज्ड माय ब्रदर दैट, लेट को हटा दीजिए यहाँ पे। अब इसमें क्या आ रहा है, आई आ रहा है, आई की वजह से आप क्या करेंगे, अस को किसमें चेंज करेंगे, वी में चेंज करेंगे, वी और should play chess, यहां तक क्लियर है। लेट अस का आपका एग्जाम्पल हो चुका है, अब आपको लेट के बारे में एक दो एग्जाम्पल बता देते हैं। लेट इससे भी ज्यादा इजी है, लेट में क्या होता है कि आपको लेट को हटाना नहीं होता है। अभी अपन ने लेट अस पढ़ा, सिंपली हम पढ़ रहे हैं लेट के बारे में, ठीक है। तो यहां पे भी सेड को आप जो चेंज करते हैं तो वो अलग अलग आपका होता है, आस्क भी हो सकता है, सजेस्टेड भी कर सकते हैं, ठीक है। आस्क हो गया या बैग्ड हो गया, ठीक है, इस प्रकार से ये आपके सेड के लिए हो जाते हैं। दूसरी चीज आप जो करते हैं वो होती है आपकी कनेक्टिव, तो कनेक्टिव यहां पे भी आपका दैट ही यूज किया जाता है। सो बस ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है एग्जाम्पल, और एक चीज आपको जो यहाँ पे ध्यान देनी है, लेट को हटाना नहीं है, लेट को आप हटाएंगे नहीं, सिंपल सी चीज है। तो हम एग्जाम्पल्स लेते हैं इसके, ये वो आपने देखा, या तो आस्क में आप इसे चेंज कीजिए, या आप इसे बैग में भी चेंज कर सकते हैं, या आप इसे रिक्वेस्टेड में भी चेंज कर सकते हैं। लेट आपका हटना है नहीं, ठीक है, और ये हो गया। सॉरी यहाँ पे दैट नहीं लगा के हम टू लगाएंगे, सॉरी यहाँ पे टू लगेगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेता हूं मैं यहाँ पे, द बेगर सेड, द बेगर सेड लेट मी स्टे हियर, तो भिखारी ने कहा कि मुझे यहां रुकने दीजिए, लेट मी स्टे हियर, सॉरी। तो अब यहाँ पे आप क्या, ये क्या कर रहा है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो आप यहाँ एग्जांपल में जब इसको चेंज कर रहे हैं, द बेगर रिक्वेस्टेड टू लेट, अब ये मी किसके लिए यूज हो रहा है, बेगर के लिए, यानी कि ही, आप सिंगुलर की बात कर रहे हैं ही, तो यहाँ पे क्या जाएगा, हिम, टू लेट हिम स्टे देयर, हेयर कितने चेंज हो गया आपका, हेयर आपका चेंज हो गया देयर में, लेट हिम स्टे देयर। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, ही सेड टू हिज फ्रेंड्स, ही सेड टू हिज फ्रेंड्स, He said to his friends, "Let me go home now. Let me go home now." जी यहाँ पे आप जो सेंटेंस देख रहे हैं इसमें भी रिक्वेस्टेड ही हो रहा है, तो चेंज कीजिए, सॉरी, He requested his friends to let him go home then, to let him go home then, ठीक है। यहां तक आपका ये let us और let का आपका क्लियर हुआ, आगे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, और
आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर लेक्चर से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को डालें, आपको समाधान मिलेगा। थैंक यू।